हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज आवर साइंस टॉपिक स्टैंडर्ड 10 पार्ट 1। टॉपिक नेम इज केपलर्स लॉ। केपलर लॉ, हमें केपलर लॉ पढ़ने से पहले देखना है केपलर लॉ किस चीज पे, किस सिद्धांत पे आधारित है। केपलर लॉ प्लैनेटरी मोशंस पे डिपेंड करता है। प्लैनेटरी मोशंस मीन्स क्या? सन, सूर्य, उसके अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, तो जो प्लैनेट्स है वो जो घूमते हैं उसके जो पोजिशन है इसके ऊपर केपलर लॉ डिपेंड करता है। प्लैनेट देखने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? गैलीलियो, जिसने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था अराउंड 16th सेंचुरी। उसके बाद जोहान्स केपलर नाम का साइंटिस्ट आया। जोहान्स केपलर ने क्या किया? व्हाट ही डिड? ही हैज फाउंड डिफरेंट थ्योरीज ऑन द प्लैनेटरी मोशंस, लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, व्हाट ही सेड? द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद अ सन एट वन ऑफ द फोकस। इसने एलिप्स के ऊपर पढ़ा। एलिप्स क्या होता है? एलिप्स एक एलिप्टिकल पाथ होता है। जब हम कोन को कट करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन में तो हमें इस तरह का एलिप्टिकल पाथ मिलेगा। ये जो एलिप्टिकल पाथ है ये हमारे प्लैनेटरी मोशंस का पाथ होता है, जिसमें सन बीच में होता है और प्लैनेट्स उसके अराउंड क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं अपने फिक्स ऑर्बिट में। ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था। इसमें ये कहता है कि प्लैनेट जो होता है वो स्पेसिफिक फोकस पे जाता है। व्हाट इज फोकस? फोकस इज द सन। सन एक स्पेसिफिक पोजिशन में फिक्स होता है जिसके अराउंड क्या होते हैं? प्लैनेट्स रोटेट होते हैं। इसमें हम पोजीशन देख सकते हैं, पोजीशन ए, पोजीशन बी, सी, डी, ई एंड एफ। अगर हम केपलर लॉ के अराउंड जाए तो हमें यह पता होना चाहिए कि केपलर लॉ में द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स अराउंड द इक्वल एरियाज। इक्वल एरिया मीन्स क्या? ए एस बी सी एस डी, ये सब एरियाज है जो शेडेड पोर्शन है, या तो ई एस एफ, ये सारे पोजिशन जो शेडेड एरियाज है। अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, इट सेज दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। मतलब अगर हम डिस्टेंस ए से बी तक जाएंगे या डिस्टेंस सी से डी तक जाएंगे, ये दोनों डिस्टेंस एक दूसरे को क्या है? इक्वल है, इक्वल टाइम पीरियड एंड इक्वल डिस्टेंस। एंड एरिया ए एस बी इज इक्वल टू एरिया सी एस डी, मीन्स ये दोनों एरियाज भी क्या है? इक्वल है। तो इस तरह से हम केपलर का सेकंड लॉ प्रूव कर सकते हैं, दैट इज स्वीप द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ थर्ड क्या कहता है? केपलर लॉ थर्ड कहता है स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब टाइम पीरियड। कौन सा पीरियड? टाइम पीरियड जिसमें वो रिवोल्यूशन लगा रहा है, टाइम पीरियड। एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस मीन्स व्हाट? आर। आर का क्यूब लेना है हमें। क्यूब मीन्स थ्री टाइम्स आर इंटू आर इंटू आर। मतलब इसका जो टाइम है और इसका जो डिस्टेंस है इसका डायरेक्टली रिलेशन है, को रिलेट करना है। जैसे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इफ यू कन्वर्ट इट इन द इक्वेशनल फॉर्म इट फॉर्म्स टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड कॉन्स्टेंट इज रिप्लेस बाय केपलर्स कॉन्स्टेंट दैट इज कैपिटल के। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू स्टडी द पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स। हमें ये लॉ मदद करता है प्लैनेट की स्टडी करने के लिए। एंड द थ्योरी वॉज हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रेविटेशन बाय न्यूटन। न्यूटन ने जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया था उस समय भी उन्होंने केपलर्स का ये लॉ का इस्तेमाल किया था। थैंक यू।